मतलब पिछले 15-20 मिनट से मैं लगातार बग को फोन कर रहा हूँ, मगर वो मेरा फोन काट रहा है क्योंकि शायद उसको पता है मेरा सवाल क्या आने वाला है और क्या चीजें वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। सो गाइस, जो पंजाबी सिंगर है तुषार, उन्होंने एक मैरिज सर्टिफिकेट जारी करा है जिसमें लिखा हुआ है रचना देवी से उनकी शादी हुई है। मगर जब रचना देवी की फोटोज देखने जाओगे आप, तो एक्चुअल में वो सारा गुरपाल है। तो कुल मिला के आपको ये बोलूं कि सारा गुरपाल नहीं है, वो रचना देवी है, और जो रचना देवी है वो सारा गुरुपाल है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो गाइस, तुषार का क्लेम ये है कि उनकी शादी रचना देवी से हुई है और रचना देवी एग्जैक्टली बिल्कुल सारा गुरुपाल जैसे ही दिखती है। तो भाई क्या झोल है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। सो गाइस, क्लियर है कि हमने बहुत देखा ऐसा कि यार एक रियल नेम होता है, एक स्क्रीन नेम होता है। कोई भी एक्टर या एक्ट्रेसेस आप देख लोगे, बहुत सारे आपको एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे मिलेंगे जिनका स्क्रीन नेम अलग होता है और रियल नेम अलग होता है। तो मे भी सारा गुरुपाल का जो रियल नेम हो पहले वो रचना देवी हो, और क्योंकि यार फोटोज झूठ नहीं बोलती है, और फोटोज वायरल भी कौन कर रहा है, खुद एक पंजाबी सिंगर। भाई उस सिंगर ने बोला कि अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए इसने मेरे साथ शादी करी, फेम के चक्कर में ये वो, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है। मगर ये बातें सारी 2014 की हैं। अब मे बी जो सारा गुरुपाल है वो अलग हो गई हो और वो अपनी पुरानी पहचान छुपाना चाहती हो, जैसा कि रश्मि देसाई ने किया था, क्योंकि रश्मि देसाई के भी पहले दो अलग नाम थे, तो वो नाम चेंज करके पुरानी जो पहचान थी उसको खत्म करना चाहती थी। तो मे बी सारा गुरुपाल का भी कुछ ऐसा ही हो। सो जानते नहीं है, क्योंकि अभी हमको वन साइडेड स्टोरी पता है, जो स्टोरी हमको तुषार ने बताई है। बट सारा गुरुपाल की साइड की क्या स्टोरीज है वो हमको नहीं पता। बट इतना जरूर मैं दावे से कह सकता हूं कि जब सारा गुरुपाल बिग बॉस 14 के अंदर आई होगी, तो यार ये चीज उसको भी क्लियर होगी कि ये पंगा तो पड़ेगा ही, ये चाहे 2 महीने बाद पड़े, 1 महीने बाद पड़े, मगर शायद उसने ये नहीं सोचा होगा ये अंदर घुसते उसी दिन पंगा पड़ जाएगा। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि जो सारा गुरुपाल है वही रचना देवी है, और जो रचना देवी है वही सारा गुरुपाल है? सो गाइस, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।